द टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। मैं चंदन कुमार पांडे, द टाइम्स न्यूज़। आप सभी दर्शकों को ले चलते हैं जनपद महाराजगंज के निचलोल ब्लॉक से जंगल में उड़िया माँ का भव्य मंदिर। आप सभी जो है, आप सबको मैं माँ कुड़िया का साक्षात दर्शन कराऊंगा। आप लोग हमारे साथ लगे रहें और साथ ही देखते रहें। अब हम आप सभी को माँ के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं लेकर के, आप सभी को दिखाते हैं साक्षात माँ का दर्शन। हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं ये माँ क्षमा की मूर्ति है और ये माँ काली की मूर्ति है और ये माँ साक्षात दुर्गा की मूर्ति है। आप लोग देखो जो माँ सभी भक्तों की मुरादें पूरी करती हैं। मैं आप सबको उस माँ के पास आप उनके साक्षात दर्शन आपको कराए हैं। यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु आते हैं और अपने मुरादें जो है झोली में भर के ले जाते हैं, मुरादें पूरी करती हैं, सबकी मुरादें पूरी करती हैं एक कुड़िया की माँ। स्पीच यहाँ की जागता माता जी, दुर्गा जी, सभी श्रद्धालु को जो है नवरात्रि के इस पावन मेला पे बहुत से श्रद्धालु व्रत रखते हैं और वे पूरा दिन जो है भूखे प्यासे रहते हैं और वे जो है हर दिन जो है अलग अलग मंदिर, जैसे तुलजा माँ मंदिर, माँ कुड़िया मंदिर, यहाँ पे आते हैं और माँ का पूजा अर्चन करते हैं। और यहाँ कुड़िया मंदिर में बहुत सारा भीड़ इकट्ठा होता है नवरात्रि के दिन में। यहाँ पर बहुत से दूर दूर के लोग आते हैं और माता का दर्शन करते हैं और सभी भक्तगण यहाँ से मनते मानते हैं और उनकी मन्नतें जो हैं पूरी होती हैं और वे माँ का आशीर्वाद अपने झोलियों में भर के और यहाँ से ले जाते हैं। और हमें चाहते हैं कि माँ के दर्शन के लिए सभी दर्शक आए, जो घर में बैठे हैं वो भी आए और माँ का दर्शन करें। हम यही चाहते हैं। हम सभी को ले चलते हैं माँ के मंदिर के जो है बहुत सारे दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ पर आए बहुत दूर से आए हुए भक्त लोग को जो है पूजा सामग्री दुकानदारों द्वारा ले जाता है। इतनी दुकानें लगी हुई हैं। आइए हम लोग पूछते हैं अकल जी का क्या नाम है? अरे हो गए 6 महीने। 6 महीना क्या आप यहाँ पे? 6 बरस आपको यहाँ पे जो है 6 बरस यहाँ पे कितने श्रद्धालु कितने दिन कितने आते हैं? बहुत भीड़ लगता है, बहुत लोग आते जाते हैं। यहाँ रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं आने जाने को, बरसात में पानी लगता है, इतने कहीं सूखा है, बरसात में लोग नहीं आते हैं इतने खड्डे। हम आप सभी को दिखा रहे हैं जंगल में जो माँ दुर्गा का स्थान है, चारों तरफ जंगल में उपस्थित है और हम ये दिखाते हैं आपको। यहाँ पे बोला मैं हूँ चंद्र कुमार पांडे, डाक टाइम न्यूज से। हम आए हैं कुड़िया माँ के स्थान पे और हम जानना चाहते हैं कि यहाँ की प्राचीनता क्या है
ये जो है मैं यहाँ के मठाधीश बाबा जी से पूछना चाहता हूँ। यहाँ का प्राचीनता जो है बहुत पुरानी ये मंदिर है। यहाँ जो है बहुत दिनों से बताते हैं लोग जो कि जो है पाछे कुंड जो धसा है वो पहले गांव था और माता जी का स्थान जो है बच गया है। अब लोग यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं, अपना मनोकामना पूरी उनकी होती है, बहुत दूर दूर से आकर के अपना दर्शन करते हैं, अपना मन्नत मांगते हैं। कोई कीर्तन कहवाता है, कोई कुछ कहवाता है, कोई जग करवाता है, जिनकी जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती है वो अपना अपना करते हैं। यहाँ इस तरह से श्रद्धालु धीरे धीरे बहुत जनसंख्या में जुटती है। यहाँ 90 के पहले जो है कुछ नहीं था, पुराना स्थान ही था। हम जब आए हैं 90 के इधर से जो है इसका जो है जनता से जुटी सहयोग से पूरा ये मंदिर जो है बन रहा है और श्रद्धालु दिनों पर दिन इकट्ठा होते जा रहे हैं और चारों तरफ से जो है दर्शनी आते जाते रहते हैं और सबकी मनोकामना पूरी होती रहती है। जो यहाँ के मठाधीश जो बताए हुए हैं कि यहाँ पे जो कुंड है, जो गांव यहाँ पे पहले बहुत पहले गांव था, इसी बारे में बताया है कि यहाँ पे जो गांव था वह गांव जो है नीचे की तरफ जमीन की तरफ धस गया और यह जो है एक कुंड की तरह बन गया। यही वो कुंड है, देखिए आप चारों तरफ देखिए, जंगल के साइड में इधर देखिए, चारों तरफ बागीचा भी लगाया गया है, फूल भी लगाया गया। पांडे के साथ रुद्रदेव शर्मा कैमरा मैन। डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।